लखनपाल को जानते हैं। राघो लखनपाल की सुनो, मारा गांव आता उसमें आता और काट का कसाली पर आता उसमें लाया राघो लखनपाल। अभय राणा को जानते हैं? सुरेश राणा जी योगी सरकार में 5 वर्षों तक गन्ना मंत्री रहे। गन्ना मंत्री रहे, यहाँ तो नहीं आ पाए हो, सकल तक तो देखी नहीं उनकी अभी तक। लोकसभा के तहसील बेहद के गांव सतपुरा में अभी हम मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बुजुर्ग हैं जो कि राजनीति को बेहद करीबी से देखते हैं या फिर करीबी से समझते हैं। उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, आखिरकार सहारनपुर लोकसभा सीट को वो किस तरीके से देखते हैं और किसे वो अपना प्रत्याशी देखना चाहते हैं। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम बाबूराम है जी। जी क्या लग रहा है, इस बार चुनाव आ गया सर पे 24 का, तो बीजेपी के द्वारा यहाँ जो है महामंथन जारी है। तीन प्रमुख नाम है, एक तो अभय राणा है, सुरेश राणा है, तो वही राघव लखनपाल है, तो क्या देखा? तो एक बात को जानना चाह जी, यहाँ से तक कोई बन जाओ, चाहे वो बने चाहे ना भी बने, लेकिन मतलब कोई झाँकता नहीं, यहाँ का चाहे मरे पड़े चाहे कुछ हो जाए, कोई झाँकता हो तो बता दो। अभय हो, अभय राणा का भी नाम चल रहा है जो कि जगदीश सिंह राणा जी के भतीजे हैं, उन्होंने तो घाट क्षेत्र में विकास किया है। कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, कोई भी यानी कि 10 आज भी खड़े। यहाँ से तो राणा जी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, बढ़ गए रहेंगे, ठीक हो गया, लेकिन इधर तो यहाँ कोई झाँकता ही नहीं, कोई बना भी नहीं आता। तो फिर क्या है पहली पसंद तीनों नामों में? जो तो देने देना देखो, हम अभय राणा या सुरेश राणा, कोई से को भी देंगे जरूर। अभय राणा सुरेश राणा इनमें से बताइए ना, या फिर राघव लखनपाल? और तो इस बात का भी कोई पता नहीं है, क्रिश्चियन क्या हो जाएगा। गोल मोल बात कर रहे हैं आप, पत्ते नहीं खोल रहे, आप बताइए। अभय राणा को दे देंगे, वोट देने भाजपा को देने, हम और क्या, बीजेपी के हैं तो प्रत्याशी भी तो होना चाहिए लोकल अपना। हाँ लोकल अभय राणा होना चाहिए। अभय राणा? हाँ। क्योंकि सुरेश राणा का भी तो अब नाम चल रहा है, मंत्री रहे हैं नजदीक, यहाँ हम तो मंत्री रहे हैं 5 वर्षों तक। अरे हम इसे जाना जो यहाँ घूमा, सुरेश राणा जी को नहीं जानते? वो जो घूमने नहीं कभी, हाँ भाई यहाँ यानी कोई। और फिर राघव लखनपाल जो है 5 वर्षों तक सांसद रहे हैं, उनको कैसे देखते? वो भी नहीं आया, आए नहीं घूमने। नाम है कमेश राणा। रमेश जी क्या देख रहे हैं, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर लोकसभा पे किसी राजपूत को प्रत्याशी बना सकती है जिनमें अभय राणा फिर सुरेश राणा, तो क्या? अभय राणा, अभय राणा, सुरेश राणा जी क्यों नहीं? सुरेश राणा जी यहाँ आते रहे फील्ड में घूमने के लिए। नाराज है क्या सुरेश राणा? नहीं सुरेश राणा जी हम जानते हैं, बेचारे को अभय राणा को जाना ना, अभय राणा को जानते हैं। सुरेश राणा जी योगी सरकार में 5 वर्षों तक गन्ना मंत्री रहे। गन्ना मंत्री रहे, यहाँ तो नहीं आ पाए हो, सकल तक तो देखी नहीं उनकी अभी तक, नहीं देखे नहीं। और फिर राघव लखनपाल 5 वर्षों तक सांसद रहे, वो भी नहीं आए फील्ड में, बाद में घूमने। तो कहते हैं लगातार हमने विकास किया है, जो है सत्ता पक्ष के सांसद रहे हैं 24 से 19 तक, यहाँ पे आ नहीं रहे। आप बताइए जी क्या नाम? जयपाल सिंह। जयपाल जी क्या लग रहा है, इस बार सहारनपुर में जो है बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और तीन बड़े प्रमुख नाम चर्चाओं में है, एक तो अभय राणा, सुरेश राणा, तो वही राघव लखनपाल। तो अभय राणा ही है। अभय राणा तो नाम तो ज्यादा मंत्री जी का चल रहा है, सुरेश राणा जी का बस, सुरेश राणा जी का नाम चल रहा है भाई। हाँ हमने नाम कोई आज तक देखा, वो तो देखा अभी, पहले महावीर था, जगदीश था, उन्होंने आया ढेर थोड़ा विकास भी कराया, अगर हमने नहीं वो कोई देखा है। जी क्या नाम है जी? मोलड सिंह जी। क्या लग रहा है इस बार जो है सहारनपुर में बीजेपी किसे बनाया अपना प्रत्याशी? तीन नाम बड़े चर्चाओं में, अभय राणा और सुरेश राणा, तो वही राघव। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको वोट देंगे, पार्टी के साथ, पार्टी के साथ। लोकल नेता भी तो होना चाहिए अपना, अभय राणा है, अभय राणा हमारे नजदीकी है, तो सुरेश राणा क्यों नहीं? मंत्री रहे हैं वो भी, टिकट मांग रहे हैं सहारनपुर, बाहर से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं शायद, थाना भवन से विधायक रहे हैं, फिर 5 वर्षों तक योगी सरकार में मंत्री हो रहे हैं। जी जी, लेकिन अभय राणा नजदीकी है हमारे, उनको तो नजदीकी हैं जी। आप बताइए जी क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी क्या देख रहे हैं, इस बार जो है चुनाव आ गया सर पे और बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो कौन हो प्रत्याशी बीजेपी? प्रत्याशी की बात यह है जो भी बीजेपी से खड़ा होगा जी जी वोट उसे मिलेगा, कोई सा प्रत्याशी हो तो बीजेपी के हैं वोट, वोट जो है ना मतलब बीजेपी का। तो लोकल नेता भी तो अपना होना चाहिए ना, किसी को मतलब प्रत्याशी किसी के, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व करे ऐसा नेता भी तो होना चाहिए। नहीं वो तो बात ठीक है, वो तो जो जाना है, जो यहाँ का वो है जानकार, जिसे लोग बाग जनता जाना है उसे जो है ज्यादातर उसे ही वो करा जाएगा। तमाम लोग जो है अपने अपने अपना अपना पक्ष रखते हुए आपको दिख जाएंगे, ऐसे में और हम बातचीत करने की शुरुआत करेंगे जी। तो क्या देख रहे हैं इस बार, अभय राणा की बात यहाँ चल रही है तो सुरेश राणा जी मंत्री रहे हैं, मतलब जिसे जाना ना आदमी उसे तो देखा, हमने बेचारा देखा नहीं कभी। हाँ और तो भाजपा को ही देने, बीजेपी के हैं पक्के, तो इस बार तो गठबंधन भी बन गया बड़ा। हमने नहीं पता, हमें तो नहीं पता बस। अच्छा अच्छा इतना ही पता है जी। आप क्या नाम है जी?
मेरा नाम भी सतीश है। क्या देख रहे हैं इस बार सहारनपुर में जो है मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, एक तरफ राघव लखनपाल और अभय राणा टिकट मांग रहे हैं, होड़ लगी हुई है एक तरीके से। अजी हम तो एक बात जाना है, सरकार तो कोई सी भी आ जा, सरकार भी कोई भी बुरा नहीं चाहती, और सरकार को कोई जनता नहीं घेरने वाली, सरकार को घेरा कैंडिडेट। तो टिकट में तो होड़ लगी हुई है, एक तरफ सुरेश राणा अभय राणा फिर राघव लखनपाल टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से। हम तो अभय राणा को देंगे वोट। कोई खास वजह बताइए अभय राणा की, क्यों उन्होंने हमारे यहाँ उनके बड़े रहकर चले गए, उन्होंने यहाँ विकास अच्छा कराया, विकास अच्छा कराया उन्होंने यहाँ, विकास किया। हाँ जी, तो सुरेश राणा जी मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी तो विकास किया। जी वो यहाँ आए नहीं, हम कैसे जाना उन्हें, जी वो यहाँ आए नहीं, हम उन्हें जानते भी नहीं सकल थे। राघव लखनपाल वो भी 14 से 19 तक सांसद रहे हैं बीजेपी के, राघव लखनपाल को जानते हैं। राघव लखनपाल की सुनो, हमारा गाँव आता उसमें आता और काट का कसाली पर आता उसमें लाया राघव लखनपाल जी, पूरा गाँव बैठा पूछ लो, आदर्श ग्राम पंचायत था आपका गाँव, अन्य भी हमारा गाँव आया। वो तो कहते हैं लगातार हमने घाट क्षेत्र में विकास किया है, तमाम ग्राम पंचायतों का क्या लगता है जी? मैं खुद प्रधान था उस टाइम जी, ठीक मामा बताया कानू आदर्श में आएगा, फिर कट गया, तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए थी ना सांसद जी, क्या आवाज है उसमें, क्या करते हम आवाज छोड़ दो सारे उठा ले। हाँ, वो तो कहते हैं हमने घाट क्षेत्र में लगातार विकास किया है और तमाम मुद्दों पर काम किया है, सांसद जी कहते हैं। हाँ काम तो कराया उन्होंने जी, चाचा आप बताइए, राघव लखनपाल को कह रहे हैं हमारी ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत थी और उन्होंने, भाई नेता हमारे यहाँ बैठेगा बता दें क्या क्या चाह। देखिए इधर तमाम लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं पूरे मुद्दे को लेकर, इस बार जो है बीजेपी के द्वारा यहाँ प्रत्याशी घोषित। क्या नाम है जी? मेरा नाम नाथीराम है। नाथीराम जी क्या लग रहा है इस बार जो है बीजेपी ने बड़ा बीजेपी में बड़ा महामंथन है सहारनपुर टिकट को लेकर? मैं बताऊंगा ऐसा है, राघो और सुरेश पाल के मुकाबला और ज्यादा अभी को मिलेंगे यहाँ बस। सुरेश राणा जी बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं 5 वर्षों। सुन तो लो, मान लो हम तो यहाँ के घुड़े मिले हैं अभय राणा, नहीं वो भी तो 5 वर्षों तक मंत्री रहे हैं, जो प्रदेश में विकास किया है, जो दिया है नहीं यहाँ से उसे वोट कम मिल रहे हैं, लोग राघो को भी कम मिल रहे हैं, सुरेश को भी इसे मिला जा रहा है। अभय राणा जी जो है अभी युवा हैं, हालांकि अभी कोई चुनाव वो नहीं लड़े हैं, राजनीतिक अनुभव की कमी बताई जाती है। तो उनके बड़े भी सारे लड़े, जगदीश राणा भी महावीर भी रहा, उनके ज्यादा हिलमिल है, उन्हें और ज्यादा मिलेंगे यहाँ। राजनीतिक अनुभव की कमी बताई जाती है ना कि अभी राणा जो है अभी तक कोई चुनाव नहीं, उसे वोट तो ज्यादा मिलेंगे बीजेपी को। मैं बताऊँ अगर फिर अभय को ज्यादा वोट मिलेंगे इन दो के मुकाबले पर। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं हम लोग जी, अभय राणा और सुरेश राणा जो है तीन नाम बड़े चर्चाओं में है, तो क्या लगता है आपको किसे दे पार्टी यहाँ टिकट, कौन है मोकू? अरे भाई हम तो सन बाणवा के बीजेपी के आदमी है, चाहे वो बीजेपी के आदमी है तो फिर लोकल नेता तो होना चाहिए भाई, और नहीं पूछते हम तो बीजेपी वोट देंगे, एक साफ सीधी बात है, कोई आवाज है सीधा बीजेपी, बीजेपी बस ये बात है। लोकल नेता अपनी जो समस्याएं सुने या फिर अपनी जो आवाज उठाए प्रतिनिधित्व करे बीजेपी को वोट देंगे, अपना कोई सा नेता हो चाहे लोकल, बीजेपी बीजेपी आप बताइए जी, बीजेपी पसंद है लोगों की। तो लोकल नेता में अगर बात करें तो एक तरफ सुरेश राणा जी का नाम है, अभय राणा का सांसद जी है पूर्व, राघव लखनपाल जी का नाम है, तीन नाम चर्चा में है। टिकट एक को मिलना ना? हाँ टिकट एक को मिलना है, एक को मिलना ना, जो भी टिकट लेकर यहाँ आएगा वो सुरेश अब है, अभय अब है, राघव अब है, वोट उसी को मिलेगा। आपकी पसंद तो होगा ना कोई अभय राणा, पार्टी पसंद करेगी, जो चीज पसंद करेगी, लोकल नेता भी तो एक मायने रखता है, मजबूरी बन जाएगी ना, जिसे भी उनका भेज देंगे हमारी मजबूरी बनेगी ना, उसे वोट देने की मजबूरी बन जाएगी भाई, किसी को भी भेजा हो यहाँ पे टिकट दे गए हमें तो उठे जाना, मतलब बीजेपी को जाना वोट अभय अब ज्यादा कर अभय राणा का, यहाँ से ये तो कह रहे हैं अभय राणा को, अभय राणा का टिकट लेकर आगे, तो अगर उसे टिकट नहीं मिला तो उसे कैसे वोट दे देगा लोग, वहाँ कह रहे हैं कि अभय राणा उसका वैसे बेकार है, मैं पार्टी से चुनाव लेकर हुआ चुन रहे ना उनको, मतलब अभय राणा का नाम सुन रहे हैं ना, अभी तक कोई चुनाव तो लड़े नहीं है, जमीन नहीं लड़े तो नहीं, मैं लड़के तो लड़के तो इनका इस बार शुरुआत करनी चाहिए। हाँ शुरुआत जी, जमीन स्तर से हैं जुड़े हुए यहाँ, स्थानीय लोग से हैं हमारे यहाँ आए हुए, वो नए हैं बी ओ अभी हैं और उनके तालुकात भी अच्छे हैं यहाँ के, देखे वाले भी हैं, परिवार से भी जुड़े हुए हमारे यहाँ से, वो तो अभय राणा अच्छे हैं। हाँ पसंद तो वही, तमाम लोगों की हमने राय जानी, ग्राम सतपुरा में अभी हम मौजूद थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।